तो जैसा कि आप सब ये जानते हैं कि जो लव आजकल है वैलेंटाइन डे पे रिलीज हो रही है, तो वैलेंटाइन डे तो वैसे 7 दिन पहले शुरू हो जाता है, पहले वो रोज डे, किस डे, हग डे, तो ये काफी सारे डेज होते हैं। तो बड़े सारे हमारे ऑडियंस के भी किस्से होंगे मजेदार वैलेंटाइन के, तो आप अपना कोई मजेदार किस्सा हो तो आप शेयर कर सकते हैं। आइए कार्तिक, सारा आप प्लीज बैठिए जी, इनको माइक दे दीजिए मैडम को। Hi, my name is Kyra. Hi, yeah. Kyra, welcome. Hi, my birthday is on Valentine's Day. अरे वाह। Yeah, so घर पे होता क्या है ना, मेरी birthday party की celebrations होती है और mom को लगता है कि उनके लिए Valentine's Day celebrate होगा। अच्छा। But actual में मैं ही ज़्यादा pamper होती हूँ। 3 साल पहले हुआ क्या था कि मम्मा सुबह उठी थी and she opened the balcony. अच्छा। बालकनी में व्हाइट एंड रेड रोजेस भरे हुए थे सारे। अच्छा। एंड मम्मा को लगा कि पापा ने दिया है। आपकी मम्मा जो साथ में बैठे हैं, आपकी मम्मा? This is my mom. Very beautiful, your mom is actually. Thank you, I know. तो फिर? But everybody knows ना कि मेरे लिए थे सारे flowers. हो सकता है आपको गलत फहमी हुई हो, पापा ने उन्हीं के लिए सजाए हो। ये भी वो तो भी हो सकता है। But the thing is कि वो चीज आज तक की मिस्ट्री है, तो पता नहीं किसको क्या मिला। पर इस दोनों चीजों में फायदा तो आपके पापा का तो है। है ना, बेटी को लगता है कि उसका बर्थडे मनाया जा रहा है, वाइफ को लगता है कि उनके लिए आए हैं। भाई सब नहीं आए साथ में? ऑफिस में। ऑफिस है, पक्का देख लो किसी की बालकनी में सजा रहे हो। कहाँ से आए आप? We are from Bombay itself. Okay, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, धन्यवाद, शुक्रिया। आपकी नई नई शादी हुई है, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। कितनी देर हुई आपकी शादी को? मुझे बड़ा मजा आता है। माइक दे दो ना इनको। 10 दिन हुए सर। 10 दिन हुए? हाँ जी। तो घूमने इधर आ गए आप? यही ड्रीम था। ये ड्रीम था आपका? हाउ स्वीट, थैंक यू। थैंक यू। भाई साहब से पूछ लेते, उनका ड्रीम तो कुछ और है। कहाँ से आए सर आप? जयपुर से सर। जयपुर से, चलिए बहुत बहुत मुबारक हो आपकी शादी और ईश्वर आपको खुश रखे, बहुत प्यारी जोड़ी आपकी, धन्यवाद। कपिल भाई, वो टी शर्ट में उनकी फोटो है, ये मेरा है लिखा है टी शर्ट में, इनकी फोटो है, ये मेरा है, ये मेरा है। अच्छा भाई साहब, फोटो है ये? फोटो है। वाह, क्या सेम आप सेम लगते थे जब पतले थे ना, आपकी तरह लगते थे सर। शादी करनी नहीं थी बट आपका नाम लिया तो कर दी सर। आपने उनकी फोटो क्यों नहीं लगवाई अपनी टी शर्ट? सर वो लगवाई थी, इनफैक्ट मैंने इनको पटाया भी आप ही का नाम लेके। मेरा क्या है, नाम है अभय शर्मा, तो मैंने इसको शर्मा बताया, कॉलेज में सबको भाई बोलती थी। अच्छा। ठीक है, मैंने बोला कि मेरा नाम कपिल शर्मा है, तो मेरे को भाई बोलना बंद कर दिया, धीरे धीरे बात होना शुरू हुई। अच्छा। वैलेंटाइन डे पे सिर्फ एक लाइन बोली कि शादी के बाद मैं हनीमून पे तुम्हें कपिल शर्मा का शो दिखाऊंगा। हाउ स्वीट। ये बहुत मुबारक हो आपको, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, शुक्रिया शुक्रिया। अर्चना जी आपके पीछे कितने हमारे बड़े ब्यूटीफुल गेस्ट बैठे हुए, मुझे लगा जैकलिन फर्नांडिस ऑडियंस में बैठी हुई है। कहाँ से हैं आप? हैं? London. You understand Hindi? I understand a little bit. My friend here understands more. She's your friend? She's my friend. And the lady sitting next to you? She's my friend as well. Okay, बड़ा beautiful friend का group है आपका। But are you Indian? Yes, Indian. So you're Indian, आपको हिंदी नहीं आती? कौन सी भाषा आती? Punjabi. और पंजाबी? पंजाबी आती है ना नू? हाँ। पंजाबी। तो मेरे को पहले बता दो, मेरे मुंह में English फंस रही इतनी देर से। पर आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम भी आ रहे हैं लंदन बहुत जल्दी, वहां पे वी आर कमिंग टू वेम्बले अरीना वेरी सून। ओह नाइस, वी विल कम एंड वॉच यू। थैंक यू, मैं पास दूंगा आपको, टिकट मत खरीदना आप। हाय हाय। ठीक है, ये वो पास अपने हस्बैंड को दे देंगे, डोंट वरी। नो, शी इज नॉट मैरिड। यू आर मैरिड? आई एम मैरिड। टिकट खरीद लेना, ऑनलाइन बिकती है। ओह, बट जोक्स अपार्ट, वेलकम वेलकम वेलकम। और कोई हमारे दोस्त जो अपना किस्सा? जी भाई साहब, बड़ा तेज आया आपको किस्सा। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम जगदीश भगोरा है और मैं इंदौर से आया हूँ सर। जगदीश भगोरा जी, भाग के आए हो वहाँ से? मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। उनका नाम लिखवाया आपने? जी सर, और 8 साल से उससे प्यार करता हूँ, उसको प्रपोज करना चाहता हूँ। ये मैरिज पार्लर है? नहीं सर, आपका शो सब देखते हैं, पूरी इंडिया देखती है, तो कॉमेडी का, हंसी प्यार का, मोहब्बत का शो है सर ये, तो बस आपके शो की वजह से सर मेरा भी थोड़ा सा काम हो जाएगा। खुल के प्रपोज करिए आप। जी, आई लव यू,
मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ. थोड़ा रोमांटिक हो गए, चंदा लेने वालों की तरह मत आओ. ऐसा लग रहा है जैसे कर रहा हम सुखन मित्र मंडल से आए हैं, आपसे जितना राशि आप चाहें. ऐसे कि थोड़ा रोमांटिक, थोड़ा शाहरुख खान बनो थोड़े. जी आई लव यू. और 25 को मैं आपको प्रपोज करने वाला हूँ. ओ भाग जाओ. नहीं करो, सॉरी यार, सॉरी. मैं हमारी क्या, हमारी शादी हो चुकी है ना, तो इसलिए ये सब चीजों में हमारा इंटरेस्ट है नहीं. आप लगे रहो, आप लगे रहो. प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए. अरे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ये कैमरा मैंने आप ही के लिए भेजा है. देखो इसकी खुद की शादी नहीं हुई, मेरे भाई की, आपके लिए आया हुआ है. तो आप बोलो जो आपका मन करता है, बोलिए बोलिए. जी आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ. 25 को मैं आपको प्रपोज करने वाला हूँ शादी के लिए. सो प्लीज नो मत करना. चलिए हमारी बेस्ट विशेज है आपके लिए. ईश्वर करे आपका काम जो है संपन्न हो. ओके सर, थैंक यू. तो ये फिल्म वैलेंटाइन पे रिलीज हो रही है. हम लोग प्यार की बात कर रहे हैं. बहुत सारे लोगों ने अपने वैलेंटाइन के किस्से शेयर किए. अगर आपकी कोई मोहब्बत की कहानी है आप भी शेयर कर सकते हैं. जी भाई साहब. नमस्ते सर. नमस्ते जी. नमस्कार. मेरा नाम किशोर कुमार. किशोर कुमार, अरे वाह, कहाँ से हैं किशोर जी आप? मैं बिहार पटना का रहने वाला हूँ. बहुत बहुत स्वागत है आपका. कल ही रिटायर हुआ, आर्मी से था मैं. अच्छा, अरे वाह, दस दोस्त. क्या हाल है? वेलकम वेलकम. सब आपके दोस्त आर्मी से हैं? जी. वेलकम सर. जब मेरी शादी सेट हुई थी 2006 में. अच्छा जी. तो हम लोग लड़की देखने जाते नहीं, पिताजी. अच्छा. माँ लोग जाते हैं देखने. सारा सुन रहे हो आप? हाँ. लड़की देखने जाते ही नहीं है, मम्मी पापा ही करके आ जाते हैं. अच्छा फिर? तो यहाँ हम उस समय द्रास में थे. तो अच्छा जी. वहाँ से आया घर पे, तो किसी तरह फोन नंबर लिया. किसका? लड़की वाली बीवी का. अच्छा. और बातचीत किया. हाँ. बहुत थोड़ा थोड़ा बात होता था, फिर हम सोचे कि इसको थोड़ा लव स्टोरी में कन्वर्ट किया जाए. हाँ जी. फिर बात करते करते एक दिन बोला कि यार हम मिलना चाहते हैं, क्योंकि छुट्टी खत्म होने वाली, चले जाएंगे. अच्छा जी. तो उसने भी कैसे कैसे करके, ना ना घर में बहुत पाबंदियाँ है. फिर बोले कि ठीक है, आज आ जाओ मिलेंगे. अच्छा जी. तो वहाँ पहुँचा तो वो बाहर आ नहीं रहे. फिर बोले कि हम छत पे आते हैं, उधर ही आ जाओ थोड़ा नज़दीक. अच्छा. तो मेरे साथ एक दोस्त था, बाइक पे हम लोग गए थे. हेलमेट लगा रखा था मैं. अच्छा. कोई पहचान न ले. अच्छा. फिर वो छत पे आई, जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा फिर मैं वापस भागने लगा. क्यों? मैं भी इसलिए कि उसकी मम्मी भी पीछे से आ गई. कितनी क्यूट स्टोरी है यार आपकी. शुक्रिया अपनी स्टोरी बताने के लिए. थैंक यू सर. धन्यवाद. थैंक यू. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.